तो मिलिए सबसे हमारे इंडो वेस्टर्न ग्रुप से, है से हाय हाय हेलो। अच्छा तो आप सोच रहे होंगे कि ये डिवाइस क्या है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। जैसा मैंने आपसे किया था वादा कि मैं आपको दिखाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग शादियां और कैसे हम इवेंट मैनेजर्स उसको मैनेज करते हैं और वेन्यूज के बारे में, तो आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम एक वेडिंग में आए हैं जो कि है लीला पैलेस में, पर्ल बॉलरूम में, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आइए चलिए देखते हैं तैयारियाँ क्या क्या हुई हैं। शाम के बजे हैं 5, हम देखेंगे तैयारियां अभी की और फिर उसके बाद में आपको इवेंट के अंदर क्या क्या हम कर रहे हैं आज वो सारा उसके बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। चलिए आइए, ये मेन एंट्री है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 डोर है। पर्ल बॉल की सबसे बड़ा बॉल रूम है इनका, इसकी मेन एंट्री है। इसमें हमने जो आज डेकोरेशन करी हुई है वो देख सकते हैं आप। ये प्री फंक्शन एरिया बोला जाता है इसको, जहाँ पर गेस्ट सबसे पहले रिसीव किए जाते हैं। और ये हमने यहाँ पर आज एक कंसोल लगाया सिर्फ, आप देख सकते हैं। और अंदर आएंगे तो हम मेन हॉल में एंटर करेंगे। मेन हॉल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या है, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, आइए। ओके, सो हम आ गए हैं पर्ल बॉल रूम में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सामने लगाया स्टेज, सामने की तरफ हमारा है मेन स्टेज जिसमें जो यहाँ कपल है वो आएगा और बैठेगा, और वरमाला की सेरेमनी भी वहीं हमने रखी है कुछ खास अंदाज में। और जब आप अंदर आएंगे आप देखेंगे राइट साइड में हमारे जो है ये लाउंज बनाते हैं जिसमें कि लोग बैठते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और सामने देख रहे हैं तो उधर आप अगर हॉल के सेंटर में राइट में देखेंगे तो यहाँ पर है वेदी। वेदी हमने बनाई है कि अंदर, क्योंकि यहाँ बाहर बनाने की कोई जगह नहीं थी और वैसे भी बारिशों का मौसम है तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि अंदर बना दो, तो भैया हमें क्या दिक्कत है, बनाओ अंदर, आइए आगे। और अब मैं आपको दिखाऊंगा अपना मेन स्टेज जो एंटरटेनमेंट का हमारे पास आज है। एंटरटेनमेंट में क्या क्या होने वाला है हम बाद में बताएंगे, लेकिन आइए दिखाता हूँ आपको मेन स्टेज। तो देखेंगे जो हमारे पीछे में है ये है एंटरटेनमेंट का स्टेज। इसके अंदर आप देखेंगे कि LED स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें बड़ा सुंदर सुंदर डिज़ाइंस चल रहे हैं और भी बहुत सारे डिज़ाइंस होंगे। और इसके अंदर आप देखेंगे कि एक स्टेज है, साउंड लगा हुआ है, अच्छा साउंड लगा हुआ है, लाइट्स हैं। तो आप में से काफ़ी लोग ये जानना चाहेंगे कि कंसोल ये कैसा चलता है, और मैं आपको इसका इन हाउस अंदर कंसोल दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। ये देख सकते हैं पूरा कंसोल एरिया है और इसके अंदर हम कैसे वर्क करते हैं हम आपको अंदर आके दिखाते हैं, आइए। इन हाउस स्टोरी में आप देखेंगे कि कितने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ऐसे ही नहीं चलता है। ये लगा हुआ LED का इक्विपमेंट, इसमें प्रॉपर LED से हम जो ग्राफिक्स बनाते हैं वो सब LED पे यहीं से डिस्प्ले होते हैं। उसके बाद ये DJ का कंसोल है, यहाँ से DJ ऑपरेट होता है, साउंड या जो भी हमें सॉन्ग्स चलाने हैं वो यहाँ से ऑपरेट होते हैं। फिर वो मिक्सर का रोल रहता है, इसमें माइक्स लगते हैं और सारे इनपुट्स लगते हैं ऑडियो के, फिर आउटपुट जाता है इससे जो कि साउंड में हमें डिस्प्ले देता है। फिर इसके अलावा हमारे पास में लाइट का कंसोल होता है, जो लाइट्स लगी हुई हैं स्टेज पर उसको चलाने के लिए यूज़ होता है। तो देखेंगे आप तो ये पीछे जो वाला एरिया जो है थोड़ा मैसअप होता है, इसलिए हम लोग इसको पूरा कवर करके रखते हैं और आप लोगों को दिखता है सिर्फ आउटपुट, और जबकि आपको मैंने आज दिखाया इनपुट भी। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं मेरे, ये मेन स्टेज जो आज लगाया हुआ है 24 फीट का पूरा स्टेज है। और इसमें ब्राइड और ग्रूम के लिए ये सिलेक्टेड होता है, एक्चुअली में सबका अपना अपना टेस्ट होता है, वो इस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं हमारे से और फिर हम उस हिसाब से एक बढ़िया सा रॉयल लगने वाला स्टेज बनाते हैं। और ये 24 फीट का स्टेज है आज, और इसके अंदर हम लोग जयमाला करेंगे और कपल अपनी फ़ोटोशूट करवाता है, जैसे कि जो फैमिली मेम्बर्स आते हैं ब्लेसिंग्स देने वो आप इस स्टेज पर आते हैं और अपनी कपल को ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आइए मैं आपको एक स्पेशल डिवाइस भी बताता हूँ जो कि जयमाला पर हम यूज़ करेंगे, वो है ये स्पार्कुलर डिवाइस। ब्लैक डब्बा लग रहा होगा देखने में, मगर ये बड़ा कमाल की चीज़ है और इफेक्ट इसमें आता है बिल्कुल अनार जैसा, मगर ये बिल्कुल सेफ होता है 100%। और आज हम यूज़ करने वाले हैं जयमाला के टाइम, जब जयमाला होगी तो उस टाइम हम यूज़। अरे हाँ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि जयमाला पर हम क्या करने वाले हैं। जयमाला कोई सिंपल नहीं होने वाली, आज जो मैंने प्लान किया वो है वेनिस ब्रिज पे जयमाला होनी है। वेनिस ब्रिज वो कैसे बनेगा, वो बनेगा बिल्कुल, ये देख रहे हैं आप सारे, अब पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने कहा था आपको इनसाइड स्टोरी दिखाऊंगा, तो ये सारा जो सामान है, ये पीछे रखा हुआ सामान है, ये सारा का सारा हम असेंबल करेंगे सेम टाइम में हम असेंबल करेंगे।
और बना देंगे एक बहुत सुंदर ब्रिज जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जब इवेंट शुरू होगा, जब जयमाला होने वाली होगी उसी वक्त हम बनाएंगे और बना के हटा देंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत तरीके से जयमाला हो रही है। तो ये था हमारा पर्ल बॉलरूम, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक और एरिया है जहाँ पर, आइए मैं एक और हॉल में लेके जाता हूँ, मेरे साथ आइए। और इस हॉल में देखेंगे तो इस हॉल में सारा का सारा डिनर सेटअप लगा हुआ है, तो वहाँ पर होगा फंक्शन और यहाँ होगा डिनर, खाना पीना। तो मैं आपको जो जहाँ बैठा हूँ ये, इसको बोलते हैं हम राउंड टेबल अरेंजमेंट, और इसके बीच में होता है बड़ा सुंदर सा सेंटर पीस, जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटर पीस को। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आज हमारे यहाँ पर एंटरटेनमेंट में क्या क्या है। तो एंटरटेनमेंट के अंदर हमारे पास में दो डांस ग्रुप हैं, एक है फोक जो कि फोक टाइप की परफॉर्मेंस करेगा, और एक है वेस्टर्न जो कि वेस्टर्न की तरह करेगा, मगर उसकी परफॉर्मेंसेज मैं आपको जब शुरू होंगी तो दिखाने वाला हूँ और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। फिर एक एंकर है हमारे पास, उनसे मिलवाऊंगा जब वो आ जाएंगी, तो बहुत कुछ मस्ती। और ये एक इंडियन वेडिंग को इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है वर्ल्ड में, क्योंकि इंडियन वेडिंग में सारा मसाला सारा फ्लेवर होता है, और कुछ यहाँ का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट बनाया जाता है। और हम भी कोशिश करते हैं कि उसमें किस तरह से ऐसा मसाला डालें कि उनको सब जो आए हुए गेस्ट हैं उनको अच्छा फील हो, और उनका एंटरटेनमेंट भी चले, और एक सेरेमनी की सेरेमनी और रिचुअल्स भी हों। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि ये डिवाइस क्या है, देखिए ज़रा, बड़ा ही ख़तरनाक सा डिवाइस जो लग रहा है। ये है एक्चुअली में एवोलाइट कंट्रोलर, और इससे हम सारी जो लाइटिंग्स है स्टेज की, जो स्टेज की तरफ देख रहे हैं ये मूव कर रही है, नाच रही है लाइटें, तो ये सब कुछ करामात होता है इस वाले डिवाइस से जिसको बोलते हैं एवोलाइट कंट्रोलर। इसी में छोटे कंट्रोलर भी आते हैं, पायलट कंट्रोलर वगैरह, मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। आज यहाँ पर एवोलाइट लगा है, तो इसके जो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं वो आप डांस के टाइम में जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो आप देखेंगे। ओके, तो अभी हमारा इवेंट जैसे शुरू होने वाला है, तो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ बैक स्टेज, जहाँ पर हमारे जो मैंने बताया था ना दो डांस ग्रुप है आज हमारे पास, तो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे रेडी होते हैं, आपको बिहाइंड द सीन दिखाना चाहूँगा। तो LED के पीछे आ जाते हैं, और आज ग्रीन रूम में, इसको ग्रीन रूम बोला जाता है, तो उसमें आते हैं, आइए। तो पहला जो है मैंने बताया था इंडो वेस्टर्न ग्रुप है, हम उनके ग्रुप उसके रूम में जा रहे हैं अभी ग्रीन रूम में, तो देखते हैं वहाँ पर क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आइए, तो मिलिए सबसे हमारे इंडो वेस्टर्न ग्रुप से, है से हाय। हाय, हेलो। हाँ जी, तो ये सब तैयार हो रहे हैं। हाँ जी, कैसा रहा सब तैयारी? ओके, परफॉर्मेंस के लिए रेडी। और इनके पास ना छोटे छोटे प्रॉप्स होते हैं, आप देखेंगे मेकअप किट्स, और आप देखेंगे प्रॉप्स, ये सब यूज़ करते हैं जैसे जो, जिससे कि एक जो परफॉर्मेंस है जो उसमें जान आ जाती है। बेसिकली कॉस्ट्यूम्स होती हैं, मेकअप्स हैं, और प्रॉप्स हैं, बहुत तरह के प्रॉप्स हैं, तभी आपको अच्छा लगता है जो आप देखते हो ऑन स्टेज। तो ये सारी चीज़ें तैयार जो होती हैं वो पीछे होती हैं, देख सकते हैं आप, सब सुंदर सुंदर लड़कियाँ। ओके, तो अभी हम गए थे इंडो वेस्टर्न के ग्रुप में, आप चलते हैं फोक के ग्रुप में, आइए दिखाता हूँ मैं उनका। तो जैसे देख सकते हैं ये हमारा फोक ग्रुप तैयार होकर बैठा है, बिल्कुल जैसे कि पीछे ही परफॉर्मेंस देंगे, है ना। तो बहुत ही सुंदर इनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे, और इनके पास भी बहुत कुछ होता है, जैसे प्रॉप्स होते हैं, अभी इन्होंने छुपा रखे हैं ताकि कोई लेना ले, है ना। गणेश वंदना के लिए, गणेश वंदना से स्टार्ट करेंगे हम लोग, भगवान का नाम लेना भूल रही है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, तो मिलते हैं आपसे गणेश वंदना में। ये गणेश वंदना की तैयारी है दोस्तों, उसके बाद जो हम करने वाले हैं वो बहुत सारी परफॉर्मेंसेज है, कठपुतली की परफॉर्मेंस है, और डांडिया हो गया, सारा कल्चर दिखाने वाले हैं, है ना आरती, सब रंग बिल्कुल जैसे जिसको बोला जाता है इंडिया के रंग। तो चलो मिलते हैं आपसे जल्दी, थैंक यू। बहुत ही जल्द हमारे पास अभी एंकर भी रह गए ना, एंकर से भी आपको मिलवाना है, एंकर बोल लो, होस्ट बोल लो, MC बोल लो, तो मिलवाना है, तो अभी बहुत ही जल्दी वो आने वाली हैं। अरे आ गई हैं, आपको मिलवाता हूँ मैं उनसे, आए, देखा स्टाइल, देखा स्टाइल, क्योंकि फिल्म के हीरोइन है। हाय, गुड इवनिंग, आई एम फाइन। तो मिलेंगे जो आज के जो हमारे एंकर हैं और होस्ट कह लो, MC कह लो, ईशा चौहान, ये आज सारा, अच्छा होता क्या है आप लोगों को ये बताना, यही बताएंगे अपने मुंह से, बताइए एंकरिंग क्या होती है हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटी में ना घुसते हुए मैं बस एक शब्द में अगर बताऊँ तो एंकरिंग होती है ऑडियंस को आर्ट से और एंटरटेनमेंट से जोड़ना, दैट्स इट, अगर मैं वन वर्ड में बताऊँ। बिल्कुल।
बाकी इनके भी आप एंकरिंग आपको दिखाएंगे बीच बीच में, तो आप देखना कि कैसे होता है, आप समझना कि एक वेडिंग के अंदर एंकर का क्या रोल होता है। बेसिकली एंकर भी बोलते हैं इसको, एमसी भी बोलते हैं, होस्ट भी बोलते हैं, मिस्ट्रेस ऑफ, ये आज पहली बार पता चला। चलो गुड टू नो, हमारे दर्शकों को पता चला। चलो तो मिलेंगे फिर जल्दी। तो अभी अभी पता चला है कि ग्रूम यानी दूल्हे साहब आ चुके हैं, तो आइए देखते हैं, उनका स्वागत करेंगे फिर सॉन्ग से। तो देखा जैसे कि बारात आई है, लेकिन यहाँ पता नहीं चला बारात का, क्यों? क्योंकि होटल है, फाइव स्टार होटल में ऑब्वियसली यहाँ पर आप बैंड बाजा तक नहीं कर सकते हो, और कुछ अभी कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ शांति से आना पड़ता है। तो एक शांतपूर्वक बारात दिखा रहा हूँ, लेकिन कल जब दूसरी वेडिंग्स में जाएंगे तो बहुत धमाकेदार भी बारात की एंट्री दिखाऊंगा आपको, देख लीजिए। यमन, वो ग्रूम की एंट्री सिलेक्ट करनी है जरा, उसने सॉन्ग कौन सा रखा है आपने? ये वाला सॉन्ग रख लो, रजवाड़ा बॉयज वाला, दमाद जी रख लेना, ठीक है? चलो ठीक है ना, ये दोनों आप चला देना जब वो आएंगे। ओके यमन, ओके। तो जैसे हमारे ग्रूम आएंगे अंदर वॉक करते हुए, दूल्हे साहब स्टेज की तरफ जाएंगे, तो एक तो हम उनका सॉन्ग से स्वागत करने वाले हैं आज, और दूसरा हम जो एंकर हमारी ईशा, वो अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोल के और उनका एक बहुत ही ग्रैंड और उनकी जो बारात है उनकी फैमिली का एक अच्छा वेलकम करेंगे। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और जो चीज़ शुरुआत होती है उसका कहीं ना कहीं एंड भी होता है। तो फिर बहुत ही अच्छा आपने आज मैंने जो प्रोग्राम दिखाया कि क्या क्या इस वेडिंग में हुआ, तो ऐसे हम आपको और भी वेडिंग्स में बताते रहेंगे। और जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेल आइकॉन दबा दीजिए, और देखते रहिए कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। शब्बा खैर, गुड नाइट।